नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक 24 न्यूज। मैं आपके साथ वैष्णवी मावर। आइए रुक करते हैं आज। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खड़ियाहार के अंतर्गत उप स्वास्थ्य केंद्र बाबरीपुरा पर CHO सुजाता का लापरवाही सामने आई है। बाबरीपुरा उप स्वास्थ्य केंद्र पर हमेशा ताला ही डला रहता है, क्योंकि मौके पर जाकर मीडिया ने कई बार देखा, उसके बावजूद भी उप स्वास्थ्य केंद्र पर आज तक CHO सुजाता कभी भी ड्यूटी पर तैनात नहीं मिली। इससे ग्रामीणों को स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। जब वहां के BMO से बात की गई तो उनका कहना है कि हमें भी शिकायत प्राप्त हुई है, हमने उसका वेतन काटने के निर्देश दे दिए हैं। वहीं CMHO डॉक्टर राकेश शर्मा से बात की गई तो उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ अनुशासनात्मक तरीके से कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि ग्रामीणों को शासन द्वारा दी जा रही स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। प्रदेश सरकार ने उप स्वास्थ्य केंद्र आम लोगों को सुविधा देने के लिए खोले हैं। वहीं वहां के स्थानीय CHO के द्वारा शासन की योजनाओं को पालिता लगाया जा रहा है। जो आपके विभाग की CHO है सुजाता, उन्होंने हमने इस बात के बारे में पूछा तो उनका ये कहना है कि चाहे मैं ग्वालियर से अपना काम करूं, ये मेरा इशू है, मैं आऊं या ना आऊं ये मेरा इशू है। मतलब ये जनता ऐसे तो कोई बोल ही नहीं सकता है। अभी उन्हें यही जवाब दिया था हमको, जब हमने उनसे वार्तालाप की थी। शुक्रवार पड़ता है, उसमें टीकाकरण अभियान था तो उन्होंने उसका हमने लेटर निकाला है। क्या ये टीकाकरण हुआ था या नहीं? उसे क्षेत्र में वहाँ पे जो CHO थी नहीं वहाँ पे, लेकिन क्षेत्र में ANM तो थी। तो ये टीकाकरण कहाँ हुआ था, किस जगह हुआ था? जिनके मैं जानकारी लेके बताता हूँ। जो खड़ियार उप स्वास्थ्य सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जो उप स्वास्थ्य केंद्र है बाबरीपुरा, जिसमें CHO, इस बारे में आप सर उनके ऊपर क्या एक्शन लेंगे? जैसा कि आपके द्वारा मेरे संज्ञान में अभी लाया गया है कि जो सुजाता CHO है बाबरीपुरा की, वो वहाँ पे जाने रही है और काम भी नहीं कर रही है। और ये मैंने वहाँ के जो BMO है डॉक्टर कारपुर, उनसे भी कंफर्म किया है कि वो पिछले समय में भी ऐसा करती रही है, सेंटर पर नहीं जाती है। अभी 3 दिन से मैं इनके कार्यों की समीक्षा भी कर रहा हूँ कि जो लोग CHO काम नहीं कर रहे हैं उनको 15,000 का इंसेंटिव मिलता है। एक तो उनका इंसेंटिव काटा जाएगा और उनके खिलाफ़ जो अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी वो भी लिखी जाएगी, और उनके खिलाफ MD NHM मैडम को भी लिखा जाएगा कि इनका अनुबंध भी हम समाप्त कर सकते हैं। यदि भविष्य में ऐसा लगातार करेंगे तो इनको अनुबंध समाप्त करके इनकी पोस्टिंग को भी निरस्त करें। को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।